पता कैसे मिला आपको? हम यूट्यूब में देखे हैं बाबा जी। कब से देख रहे थे वीडियो? यार 4-5 महीने से देख रहे हैं। 4-5 महीने से देख रहे थे, पहली बार आए हैं जी? पहली ये बार। आपकी कौन है? मेरी वाइफ है। वाइफ, क्या दिक्कत होती है इनको? इनको रह रह के मतलब परेशान करते, कभी लेट जाएंगी काम धंधा में, मन नहीं लगेगा। हाजिर भी होता है? हाजिर हमेशा रहता है सर पे, हमेशा हाजिर रहता है। तो अभी हाजिर के लिए बैठा है, 50% चांस रहता है हाजिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी हाजिर हो गया है जी। वीडियो बन रही, नेट पे जाएगी, पता है ना आपको? जी पता है। क्या नाम है? असल के हो कि दोगले हो? दोगले का। कैसे मर गए थे? अरे मारे हैं तो मारे हैं। कौन मार दिया? अरे बहू मारे, मुझसे सास मारे हैं। कैसे मार दी तुम्हें? ऐसे मारे हैं, हम कई करा हूँ मर्ज बनाए के। हैं? मर्ज बनाए के मारे हैं। कौन चीज से मारे हैं? अरे हमें चाचा बोल रहे हैं इसका। गला दबा के मार दिए? कैसे मारे हैं? मर्ज बनाए से क्या बीमारी बना दियो? बना क्या क्या बीमारी दियो? इनमें किडनी फेल कर दे रहे हैं। इनका किडनी फेल कर दियो? हाँ, और फिर इसीलिए भरवा के मरवा डा रहे, मार डा रहे। किसको? तुम्हें मार दिया है? ओ मारे हैं मामोसी सास। किसको मार दिए हैं? हम उनका पहुना लागी, दमाद लागी। क्या बोल रहे? दमाद है, दमाद है। बोल रहा है इनका चाचा ससुर है जो बोल रहे हैं। अच्छा, जो हैं मौसिया सास है, छोटी बहू। कैसे मारी है वो? काला जादू करके? हाँ नहीं, ओके करा लुठा भूत है, लुठा के बरहा। आप बताते रहिए क्या क्या बोल रहे? हाँ के बरहा जात के भूत, कोई जात है रहा, वही हाँ। बोल रहे हैं कि भूत है, उसी वो पाल हाँ, के रखी हुई है। लेती लेती है। इसके ऊपर कौन भेजा है? वही भेजी है। वो खुद करती है या करवाती है? करती है, कराती है। उसको लेके आओ, बोलो बाबा जी बुला रहे हैं तुरंत। क्या नाम है उसका? वही में है। कहाँ है? अपने घर में। तो लेके आओ उसको, जाओ लेके आओ तुरंत। नहीं आवे की कसम खवा के भेजा थी। हम तुम्हें ताकत दे रहे, तुम लेके आओ उसको, बोलो बाबा जी बुला रहे हैं। कसम खवाए है न, आ जाओ यही हाल वहाँ बैरिवा में गई है तीह बतियाल लाए। क्या बोल रही है? खेत में तो वही बता रही है कि वहाँ गई, जाके बातचीत आपस में कर रही होगी किसी से। अच्छा, उसको हाजिर कराओ सामने यहाँ पे, बोलो बाबा जी बुला रहे हैं, जाओ उसको ले के आओ। हम उससे जय थे मार जे थे, हमके कसम खा के भेजावा थी, अब रात भर वो पहरा दी सी रात भर। देखने के लिए कि देखते रहो कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। अच्छा, आप लोग के ऊपर? हाँ, हम लोग के ऊपर। तो उसको पता था कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं? मालूम रहता है कि कहाँ जाते है, वो झांक कर रही है, जब चली है गाड़ी झांक रही, देख रही, देख रही थी इन लोगों को कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ, वो अपने कस्बस में कह ले कहे कि जो हमारा नाम न ले तब ना हुआ। क्या दुश्मनी है उसकी इनसे? बहुत दिन से दुश्मनी इनकर लोग का, जब से आई है कब रोटी भात नहीं चला है। कौन चीज की दुश्मनी है? हर चीज के हो गए, इसे छोटे मोटे बाती में हो गए होई तो एक रोटी भात कब नहीं चला, मगर हो गए के एक दीदार पगलवा चुकी है बहुत पहले। मतलब कुछ जलन हो रही है या फिर जलन है, घर से कुछ दिक्कत है? कौन सी दुश्मनी है कि जो ये सब काम इसका कर रही भी है? आहू, आहू है ये देवरानी, इसका है आहू है, देवरानी भी है, मिली हुई है। हाँ मिली है, करती है वो भी, करती है वो भी, उसको ले आओ तब। हाँ उसका बाप भी करता है, जाओ उसको ले के आओ पहले। क्या नाम है उसका? हाफिज। आई करा हूँ हसीना। जाओ हसीना को लेके आओ तुरंत, बोलो बाबा जी बुला रहे हैं। नहीं कसम खवाए है ना, नहीं आई, कहीं नहीं जाई, कहीं से जब जब जावे हम जाव ना, कसम खवाए के भेजे थे हम। किसकी कदम खिलवाती है? उस सब कहे हमका का बताई, कोई जीत के खून दे कहा, हमको उन चीज के बितुया मार के दे टाम दे, सब मेरे का कसम खवा। हाँ सब कहे को बल दे दे के भेज जाती है, जब ने हमारा नाम ले तब ना वो आ जाता है, बहुत कसम खावा थी आखी ना को लिया कर। ये पता था आपको कौन किया है? इंसिडेंट अबे भाई है, अबे एक महीना ही भाई, थोड़ा बहुत पता शक हुआ था। हाँ इंसिडेंट अबे हमें एक कराए हैं। पूछिए हमारे लड़का का करे है परेशानी, वो है करे है हफीजबा की बिटिया हफीज है, आप बगल में बढ़िया सासू के मझीली पतो हुआ है। नाम रखना नाम या डीप कर देना? शेरबा के दुलही वीडियो है। में हाँ रख दीजिए, शेरबा में एक दुलही है, ओकर बिटिया हो गए का है कि हमके परेशान करे एक रहती लड़की। उनकी दुश्मनी क्या है इनसे? दुश्मनी क्या है? हाँ ओकर मां सास कहती है कि हमने इनन की आंखें देखे नहीं चाहिए थी।
हमारे लड़कन से ना बोला, हमारे बहन से बोला, तब वो बोली तैसे कर आवेदन की थकाई डार दोनों की आवेदन थका बहुत जन की थका है सब अब थक गए। एक्सीडेंट कौन करवाया था? वो है करवाई से उठा कर झटक दी से के। किसको भेजी थी वो? भेजे रही है कर भैया मारने के लिए भेजी मारने थी? की जिंदगी लेने की बच गए मुड़े के बोले गए थो रहे के और गए हो तो पराने कर कढ़िया रहा तो नहीं मरी। वो है कर लाए यहाँ पे आने में रुकावट कौन कौन दे रहा था? वो है दे ला जब आगे हमारे देवरान है एकर भैया हो और फिर मझली पतो है फिर एकर हफीज है तीनों। हाँ तीनों ये सब करते धरते हैं। तीनों करते हैं? तीनों करते हैं और रात भर जागी है वो। ये टीम टाम कर रही थी? हाँ टीम टाम। और जब चले है गाड़ी आई है द्वारे में झांक रही है, झांक रही है कि कहाँ जा रहा है। और पूरी रात वो जागी है। आस पास ही रहती है क्या आपके? बस एक घर के बगल छोड़ के। एक घर के बगल में रहती है। ठीक है और कुछ पूछना है? परेशान ही सब करते ही हैं। इन लोग का काम वही रहता है, इन लोग को वही भेजा जाता है कि परेशान करने के लिए। ओके पेसी जब आई जब ने ओमले जी तो ओके पेस दे ही फिर ओमले आराम कह करी ओके जब मिल जाई छड़ी को अच्छे ढंडे से तू पा जाई अब उसे भेटे क्यों नहीं है साल भर से पर हां तो साल भर गई 6-6 साल के होटल जैसे घर तनी सी तब ऐसे झेला लेना। चल वहां खोल के सामने देख माइक रख दो आँख खुलवाओ। खुल नहीं पा रहा है दोनों हाथ अलग अलग रहेगा। आँख खुलवाओ हाथ से। हाँ ऐसे खुलवाना है दोनों आँख। इधर देख नजर में नजर मिला। पीछे का बाल देना है थोड़ा। चल भाग चिता पे तुरंत। तो जलने के लिए डाल दी तुरंत। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है वो चल रहा है त्योहार चल रहा है। आज क्या है? ईद है। ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे। कोई ना हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद बकरीद मुहर्रम कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो आंधी तूफान बारिश मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलेक्ट कर देता हूँ। जा भाई और सब पे हाजिर हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ जीरो छोटा सा बाबा हूँ और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पर उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास दो ऑप्शन हैं वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आगे भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा अब नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है बनारस आओ समझ में आए तो नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं। अरे गलती हो गया यहाँ गलती नहीं होती है यहाँ डिलीट हो जाता है अब नहीं होगा यहाँ आओ या कहीं आओ। ऑनलाइन तो नहीं करेंगे शक कर रहे हो ना किस पे कर रहे हो मालिक पे। हो जाता है हो जाएगा दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें आप पढ़े होंगे लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेकूफ लोग तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है। हाँ तो यही गलत है ना। हम तो यहाँ तक कहते हैं इधर देखो मेरी तरफ इधर देखो इधर
मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर, सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देखते यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को वहाँ आप लोग घूमते हो, अगर मौत हो जाए, छीन या झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज, जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार, टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपये और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपये एडवांस में जमा करना होगा,
और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।